नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपनी माता पिता की वे 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलॉसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी 4थे स्थान में आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें ज़्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वे उनकी द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। नेताजी का राजनैतिक जीवन। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीति गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी। जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिल रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्रा व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। सन 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए व पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वे स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आज़ादी जल्द से जल्द चाहते थे। सन 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पटाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिया था। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे दुखी हो गए थे। नेताजी ने ये बात जानकर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। विचारों का मेल ना होने की वजह से नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी थी। इंडियन नेशनल आर्मी। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़े और वे देश छोड़कर चले जाएं। इस बात का उन्हें अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे।
तब सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर रखा था। इस दौरान सन 1941 में नेताजी अपने भतीजे शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वे बिहार के गोमाह गए, वहां से वे पाकिस्तान के पेशावर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जहां वे वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्सों में घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें पता था कि हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उन्हें ये कूटनीति सही लगी और उन्हें दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित लगा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली थी, जिसके साथ में बर्लिन में रहते थे। उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस। सन 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुँचे। यहाँ वे मोहन सिंह से मिले, जो उस समय आज़ाद हिंद फौज के मुख्य थे। नेताजी मोहन सिंह व रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आज़ाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। सन 1944 में नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी का इंग्लैंड जाना। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष व राजनीति मुखिया लोगों से मिले, जहां उन्होंने भारत की आज़ादी और उसके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। सन 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बैठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मई 1956 में शाह नवाज कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान ने कोई खास राजनीति रिश्ता ना होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। सन 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रेकोजी मंदिर में रखी हुई है वो उनकी नहीं है, लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहा है। आइए कुछ रोचक तथ्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। वर्ष 1942 में नेता सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास गए और भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा, परंतु भारत को आज़ाद करने के लिए हिटलर का कोई दिलचस्पी नहीं था और उसने नेताजी को भी कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को बचाना चाहते थे और उन्होंने गांधी जी से अंग्रेजों को किया हुआ वादा तोड़ने के लिए भी कहा था, परंतु वे अपने उद्देश्य में नाकाम रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने देश की आज़ादी को देखते हुए अपने इस आरामदायक नौकरी को भी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। नेताजी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिल दहला देने वाले दृश्य ने काफ़ी ज़्यादा विचलित कर दिया और फिर भारत की आज़ादी संग्राम में खुद को जोड़ने से रोक ना सके। वर्ष 1943 में बर्लिन में नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंट्रल की सकुशल स्थापना की। आज हमारे बीच भले ही सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन ऐसे महान स्वतंत्रता संग्रामी हम सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा राज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।